दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके सामने एक लीगल पॉइंट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है वो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए, दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जो बेल आइकन है उसको दबा दें। तो चलो शुरू करते हैं। हुआ ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक डायरेक्टर का एक्सटेंशन जो दो बार हुआ था 2021 और 2022 में उसको इनवैलिडेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 100 पेज के ऊपर का एक जजमेंट दिया है जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और संजय मुरारी थे। सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट एक्सटेंशन देकर के सरकार कैसे चलाती है। मैंने 25 साल गवर्नमेंट में काम किया है और मुझे मालूम है कि एक्सटेंशन देने का मतलब ये होता है कि जो दूसरा ऑफिसर पीछे लाइन में लगा है जिसको संभावना है कि वो भी शायद उस पोस्ट पे पहुंच सकता है, उसको वो मौका नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि एडहॉक डिसीजंस होते हैं। कोई आदमी इतना इंडिस्पेंसिबल नहीं हो सकता कि आप उसको हमेशा के लिए रखें। दूसरी बात मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक डायरेक्टरेट है, जैसे कि DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो एक डायरेक्टरेट है। ये दोनों के दोनों डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं। ये CVC टाइप इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। वैसे तो CBI भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। वैसे तो CBI का तो लीगलिटी ही मैं तो इनवैलिड मानता हूँ। CBI तो इलीगल है, भले उसको गवर्नमेंट कैसे चलाती है, सरकार कैसे चलती है और जजमेंट कैसे देते हैं, मैं तो CBI को इलीगल मानता हूँ। जैसे कि मैं 370 को या 35A को, 35A कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल था उसको इलीगल मानता था। जो भी कोई कानून या कोई भी एजेंसी जो बैकडोर से इंट्रोड्यूस की जाती है और काम करती है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। खैर वो एक अलग बात है, अगर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ED की बात करता हूँ। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसा डायरेक्टरेट है जो वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करता है, वित्त मंत्रालय में भी और राजस्व विभाग के अंदर में काम करता है। जो उसके ऑफिसर्स होते हैं वो डेपुटेशन में पहले सेंट्रल एक्साइज और कस्टम से जाया करते थे, उसके बाद में अब तो सीनियर पोस्ट में सीनियर ऑफिसर पुलिस से भी आ रहे हैं, लोग बाग डेपुटेशन पे आ रहे हैं, इनकम टैक्स से भी आ रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले सिर्फ फेरा या फेमा के बारे में दिखता था। जब से PMLA आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, तब से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को PMLA का जब से हथियार मिला है तब से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। और अब गवर्नमेंट बोले या ना बोले लेकिन ऐसा लगता है कि PMLA के टूल को गवर्नमेंट
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू इस्तेमाल कर रही है। अब इन्होंने एस के मिश्रा साहब को डायरेक्टर बनाया, उसके बाद 2021 में एक्सटेंशन दिया, 2022 में फिर एक्सटेंशन दिया। ये मामला चैलेंज हुआ और चैलेंज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक्सटेंशन को इनवैलिड कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको 31 जुलाई तक काम करने के लिए इजाजत दी है। अब आते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं, लाइव लॉ का है, जहां पर ये जजमेंट थोड़ा अच्छी तरीके से डिस्कस हुआ है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे हेल्ड एज इलीगल द एक्सटेंशन गिवन टू द टर्म ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चीफ एस के मिश्रा फॉर वायलेटिंग द मैंडेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स 2021 जजमेंट इन द कॉमन कॉज केस दैट ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर एक्सटेंशन। हाउएवर द कोर्ट अलाउड हिम टू कंटिन्यू इन हिज पोस्ट टिल जुलाई 31st 2023, taking into consideration the concern expressed by Indian government regarding peer review of international body FATF and smooth transfer of power. The court also upheld the amendment made to the Central Vigilance Commission Act and the Delhi Special Police Act, which allow the center to extend the term of the head of ED and CBI up to 5 years. Noting that the scope of judicial review over legislation is very limited and that the appointment of these officers are made by high-level committee, the court upheld this amendment, opining that there are sufficient safeguards. Extension can be granted to high-level officials in the public interest and with reasons in writing, the court said. Three-judge bench of Justice B.R. Gawai, Justice Vikram Nath and Justice Sanjay Karol heard the batch of the petition challenging Mishra's appointment as well as recent amendment to the Central Vigilance Commission Act. The petitioners include Congress leader Jaya Thakur, Randeep Singh Surjewala, Trinamool Congress MP Mahua Mitra and party spokesperson Sanjay Gosle. The bench had reserved its judgment in May 2023. On 8th May, precisely, मेरे ख्याल में ऐसा है। The bench broadly considered two issues. First, regarding the validity of the amendment. Second, the validity of the extension given for Mishra's term. While ruling in favor of the union in the first issue, as regards the second issue, the court held that the extension were clearly in the teeth of the common case judgment. Supreme Court ne bola, I quote, although the basis of judgment can be taken away, the legislature cannot annul the specific mandamus that barred further extension. This would amount to sitting in appeal over judicial act. Justice Gawai stated while pronouncing the operative parts of the judgment, therefore, the orders dated so-and-so, granting extension to S.K. Mishra for a period over 1 year each, held to be illegal. अभी मैं बैकग्राउंड नहीं वो करता, देख अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, लाइव लॉ में है ये। इसके बाद यहाँ पर आता है, देखो पूरा लंबा लिख देते हैं लोग, तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है मेरे को, उससे आपका टाइम खराब होगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको जजमेंट डाउनलोड करना है तो इस साइट में चले जाइए, लाइव लॉ के साइट में चले जाइए और वहां से उठाइए और इसको देख लीजिए। मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में अगर हो सकेगा तो इस जजमेंट का लिंक दे दूंगा। तो ये है आज का समाचार। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन पब्लिक को नॉर्मल कोर्स में लगता है कि वो उसको अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मालूम पड़ता है कि उसको अफेक्ट करती है। तो मैं ऐसे मुद्दों को ढूंढता रहता हूँ, ऐसे मुद्दों को आपके सामने लेकर के आता हूँ जो आपको
शॉर्ट टर्म में भले ना अफेक्ट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करने वाली हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब यहीं पर मैं रुकता हूँ, 10 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत है, मैं लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।